हेलो बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन डी। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सेक्शन बी सी डी तो थोड़ा मतलब कम नंबर का है, तो आप थोड़ा सा बाद में करवा देना, लेकिन सेक्शन डी थोड़ा आप जल्दी करवा दो। तो चलो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाया जाए सेक्शन डी का, ठीक है। तो सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आते हैं 35 to 39 नंबर के क्वेश्चन होगा आपको, और वो 4 मार्क्स दे करके जाएंगे। अगर आप यहाँ से ये सीख करके जाते हैं, अगर 5-7 जो भी क्वेश्चन अगर यहाँ से हम करवाएंगे, तो आपको क्या होगा, ये सीधा आपको एग्जाम में नंबर दिलाने का काम करेंगे। तो सीधा चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर, और ये चैप्टर 7 में मिलेगा आपको। कहाँ पे? चैप्टर 7 असाइनमेंट जो है नवनीत का, उसके अंदर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आज समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 5 में कहता क्या है, रे है, यानी कि ये जो एल रे है, यानी कि ए बी जो लिखा हुआ है ना, इसे रे एल कहेंगे, ठीक है। एल का मतलब रेखा, ये किरण जो है ना बीचों बीच, इसको इस ये जो एंगल बन रहा था पहले से कोण, इस कोण को विभाजित कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे काम आएगा अभी क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिखाया गया है कि शो दैट, आपको क्या शो करना है, ए पी बी, और ये जो साइन होता है ना, इसे हम लोग इंग्लिश में कंग्रुएंट कहते हैं और हिंदी में सर्वांगसम कहते हैं। और ट्रायंगल है ए क्यू बी के, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि इस दोनों ट्रायंगल को इसके अंदर खोजना कि कहां पे है ये ट्रायंगल। तो आपको ये दिख जाएगा ए पी बी, यानी ए पी बी ये ट्रायंगल हो गया, इसके लिए ए क्यू बी, ए क्यू बी। अब इस दोनों, ये जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, इस दोनों ट्रायंगल में सर्वांगसम, यानी एक जैसा, आप लोग नहीं कहते कि तुम्हारे अंदर मेरे अंदर क्या क्या सिमिलरिटी, एक जैसा क्या है, तभी हम लोग बोलते हैं उसको सर्वांगसम। यानी हम दोनों का क्राइटेरिया अगर सेम मिलेगा तभी हम बोलेंगे कि सर्वांगसम है। तो वही चीज हम लोग इसमें खोज के और बताएंगे, ठीक है, ये हिडन है। तो चलिए हम लोग शुरू कैसे करेंगे सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले लिखेंगे यही ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी में। मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दूं, जिससे आप लोग को आसानी हो समझने में भी और सीखने में भी। और ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में बोलूं और हिंदी में लिखूं, ठीक है। तो देखिये ए पी बी और ए क्यू बी में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री। तो यानी कि देखिए, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में, दोनों में ये 90 का इक्वल है। तो आप यहाँ पे सीधा लिखेंगे एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और ये गिवन है, क्या ये आपका गिवन है। फिर और क्या दिख रहा है इसमें, इन्होंने बोला हुआ आपको पहले ही कि ये जो एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है। मैंने शुरू में आपको बताया था ये एंगल के बारे में। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, एंगल ए क्यू ए बी इक्वल होगा एंगल पी ए बी के, ठीक है। आप कहीं से भी इसे घुमा के ले सकते हो, जैसे इधर से भी बोल सकते हैं, इधर से भी बोल सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से एंगल ए जो है ये मिडल में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे। तो ये भी क्या हमारा गिवन है। अब देखोगे इसमें एक और बात, तो आपको ये दिखेगा ए बी इक्वल टू ए बी, जो क्या है इसमें कॉमन है, क्या ये कॉमन, कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, उसमें भी वही चीज और मेरे अंदर भी वही चीज, यानी इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो आपको ये दिखेगा, इस ट्रायंगल फर्स्ट वाले ट्रायंगल के साथ भी ये है और सेकंड वाले ट्रायंगल के साथ भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉमन बातें। अब देखिए मैंने क्या बोला था, 3 बातें आपको पता होना चाहिए, 1, 2 और 3, 3 बातें हमने ढूंढ लिया। ट्रायंगल का यही क्राइटेरिया है कि अगर आप तीनों बात को ढूंढ के लिख देते हैं तो वो सर्वांगसम हो जाता है। तो हम लास्ट में लिखेंगे, इसीलिए ट्रायंगल ए पी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। अब ये किस आधार पे है, तो आप इसे कहेंगे एंगल, इसे क्या कहेंगे आप, इसे भी आप एंगल ही कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, साइड, यानी कि ए ए एस, इसे आप क्या कहेंगे यहां पे, ए ए एस। क्राइटेरिया से ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी के, कैसे, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। तो बस यहां से आपका प्रूफ हो गया। तो इसीलिए आप लिखोगे लास्ट में ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, और यहाँ पे आप प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है। ये तो पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए, दूसरा बहुत आसान है। अब जब एक बार आप किसी ट्रायंगल को प्रूफ कर दिए उसी में, तो अब आपको बारे में, उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, एक जैसा है। क्यों एक जैसा, क्योंकि हमने तो पहले प्रूफ कर दिया ना ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अब देखिए इन्होंने पूछा है सेकंड में बी पी इक्वल टू बी क्यू, हम इसके लिए क्या करेंगे, चूंकि ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, तो इसीलिए बी पी
इक्वल टू बी क्यू होगा, कैसे, तो सी पी सी टी। अब देखिए सी पी सी टी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पूरा जानना होगा, क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का हिंदी अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, और इंग्लिश में से क्या कहेंगे, क्रॉस्पॉन्डिंग, क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि सी पी सी टी, इसलिए इसका नाम कहा गया। और सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों का, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, और ये क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बुक में है, और ये जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ, और इसमें जो है ना एंगल सबके बारे में पहले बता रखा था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के फिर दोबारा समझेंगे, और सॉल्यूशन में आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा, आपको पूरे का पूरे नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है आगे अब शुरू करते हैं, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको असाइनमेंट के अंदर मिलेगा। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे ना तो ये फिगर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है उसी तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में क्या सब दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम ये होता है जिनके दोनों साइड क्या हो, पैरेलल हो, जैसे कि ये और ये साइड, और इनका इधर वाले ये दोनों साइड क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है ये दोनों, ठीक है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी और ये डी, तो आपको ये बताना होगा, जैसे ए डी इक्वल होगा बी सी के, और फिर यहाँ से ए बी इक्वल होगा और पैरेलल होगा डी सी के। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ चीज़ें को याद भी रखना चाहिए और कुछ चीज़ें हमें कंसेप्ट के साथ साथ समझना चाहिए, जिससे आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से लेके आ रहे हैं सर। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे किया, देखिए आप इस फिगर को अगर मैच करिए तो ये कैसे बनाया गया है उसके बारे में समझा रहा हूँ मैं। तो क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन होता है और उसके अंदर एक ट्रांसवर्सल लाइन को अगर खींचा जाए तो ये एंगल के इक्वल हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका यूज करने वाले, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताया यहाँ पे। और ये एक क्लास 9th में ही, अगर आप पीछे चैप्टर जब बुक को खोलोगे तो वहाँ पे ये बहुत सारी बातें समझाया गया, तो हम उन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए इसके क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ पहला क्वेश्चन ए पी डी, जैसे मैंने बताया कि जो दिया है उस क्वेश्चन के तरफ जाएंगे सबसे पहले। तो ए पी डी कौन सा ट्रायंगल है, देखिए ए पी डी यानी कि ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा फर्स्ट, मैं इसलिए लिख देता हूँ जिससे आप लोग इसको कंसंट्रेट कर पाओ। और सी क्यू बी, सी क्यू बी यानी कि ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, बस इसी दो ट्रायंगल के बारे में देखना है, और इसमें हमें तीन बातें खोजना है, ठीक है। और कौन कौन सी बातें खोजना है, तो जो इसमें दिया हुआ है वो, और जो नहीं दिया हुआ है जिसे हम लोगों को समझ के करना है। तो चलिए हम लोग शो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में अगर फर्स्ट बात देखा जाए तो ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ये दो ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये बी सी और ए डी, अभी हमने आपको कुछ देर पहले ये बात बताया था कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो इसलिए आप क्या बोलोगे, ए डी इक्वल टू बी सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर दूसरी बात देखो तो बी क्यू इक्वल टू पी डी दिया हुआ है, क्योंकि ये इसी ट्रायंगल का पार्ट है और ये भी इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसीलिए आप ये भी बोल सकते हो बी क्यू इक्वल होगा पी डी के। ये दोनों क्या है हमारा, गिवन है, या फिर आप नॉन समझ सकते हो कि ये हम लोग जानते हैं, और ये गिवन है, ये भी क्या आपका गिवन है, ठीक है। इसके अलावा इसको गिवन से अच्छा है कि आप लिख सकते हो अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, यानी कि सम्मुख भुजाएं, इसको क्या हिंदी में कहते तो सम्मुख भुजाएं बराबर होता है ना, बराबर, ठीक है, किसका, तो पैरेललोग्राम का। अब इसमें हमने कुछ देर पहले आपको ये बात भी समझाया था कि ये जो लाइन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा, तो हमें इस ट्रायंगल का बात दिया जा रहा है, यानी ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू में देखेंगे तो एंगल ये और एंगल ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को हम कैसे लिखेंगे, एंगल क्यू बी सी इक्वल होगा एंगल किसके, तो एंगल ए डी और बी, ठीक है। देखिए ए डी बी बोलो पी बोलो कुछ भी बोल सकते हैं, हमने क्या लिया यहाँ पे बी सी क्यू बी सी लिया, तो आपको ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। तो ए क्यू पी लिख सकते हो, पी लिखो ए क्यू ए डी पी, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको क्या कहते हैं, एकांता अंतर कोण, एकांता अंतर कोण कहा जाता है इसे हिंदी में, ठीक है। तो अब देखिए तीन बातें हमने खोज दिया इसमें भी, वन टू एंड थ्री, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी क्या है, सॉरी यहाँ इंड नहीं कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाइए, तो ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के, क्यों है, तो आपको ये पता ये साइड हो गया, ये भी हमारा क्या है साइड, तो यानी साइड को हम बाद में लिखेंगे, और ये एंगल हो गया, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये जब दोनों हमने कर ही दिया, तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दूसरा क्या पूछ रहा है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। अब देखिए ए पी और सी क्यू है कहाँ पे, तो आपके पास है देखिए ए क्यू, ए क्यू नहीं ए पी, ए पी देखिए इसी फर्स्ट वाले ट्रायंगल के साथ है, और सी क्यू जो है आपके ये सेकंड वाले ट्रायंगल के, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब ये हुआ कि अगर वो दोनों को मैंने प्रूफ कर दिया, उसके बाद बचे हुए जितने भी साइड हो एंगल हो वो सब एक दूसरे के इक्वल या सर्वांशम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो चूंकि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब भी ये पूछा जाएगा ना आपसे तो ये पूरी सारी बातें दिया रहेगा पहले से, तभी आपसे ये पूछा जाएगा फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए आप बोल सकते हो ए पी इक्वल टू सी क्यू सी पी सी टी, यानी इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता रखा आपको, सी पी सी टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल का ही पार्ट है, इसीलिए ये दोनों क्या है इक्वल है, इस छोटे से का मतलब यही हो जाता है। बस ये क्वेश्चन से पूछने का मतलब यही है कि क्या आप सर्वांशम यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में जानते हैं या नहीं। तो आप अगर सी पी सी टी याद रखते हैं और इसका मीनिंग समझ जाते हैं तो समझिए आप इस चैप्टर को समझ गए, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन थर्ड फिर पूछा गया, थर्ड के लिए मुझे थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ेगा, देखिए इसमें थर्ड जो है थर्ड में क्या लिखा है ए क्यू बी, अब आपको ए क्यू बी के पास जाना है, ए क्यू बी, अब देखिए पहला दूसरा हो गया इसे हम थर्ड मान लेते हैं, और सी पी डी, सी पी डी कहां है आपका, देखिए सी पी डी ये आपका फोर्थ हो गया। अगर आप थ्री और फोर वाले ट्रायंगल की ओर देखें तो इसमें भी क्या है, ये अपोजिट साइड नहीं दिख रहा है कि आपको, ये दोनों साइड दिख रहा होगा, इधर वाले पहले वाले का तो हो ही गया, अब इनमें ये दिख रहा है, अब इसमें भी देखिए ये पार्ट आ रहा है और ये पार्ट आ रहा है, दोनों में आ ही रहा है, तो बस वही सिंपल बात लिखना है कि ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डी में क्या क्या है आपके पास, तो आप अगर देखें ए क्यू बी, हाँ ठीक है मैंने लिया है, तो आप लिखोगे ए बी इक्वल होगा डी सी में, क्या है ये, इसमें भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पहले मैंने बता रखा आपको। फिर यहाँ पे भी अगर आप देखो तो बी क्यू इक्वल है पी डी, ये क्या है आपका गिवन है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। फिर एंगल वही बात कि ये वाले यानी इस ट्रायंगल के लिए देखो तो आप ये एंगल और इसके लिए देखो तो ये एंगल, यानी कि इसे हम कैसे लिखेंगे ए बी क्यू, ए बी क्यू और इसके लिए लिखेंगे सी डी पी, ठीक है। तो आप लिखिए एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा एंगल सी डी पी, यानी ये क्या है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये जब दो पैरेलल साइड होता है सेम टू सेम वही जो स्टार्टिंग में हमने इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बताया आपको। अब यहाँ से भी देखिए तीन चीज़ें आ गई ए वन टू एंड
थ्री, ठीक है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के, ठीक है। और कैसे है, तो बाय वही तरीका, ये साइड हो गया आपका, ये भी आपका साइड है और ये आपका एंगल है, तो इसे हम बोलेंगे एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी से। तो इसीलिए ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है, और ये प्रूव्ड होगा और ऐसे आप लिखेंगे। इसी में फिर से दोबारा वही बात पूछा है कि फोर्थ वन कि ए क्यू इक्वल है सी पी के क्या, तो है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी देखिए पार्ट इसी का है ए क्यू और आपसे पूछा है सी पी, क्योंकि ये ट्रायंगल थ्री और फोर में देखेंगे तो ये दोनों क्या है, इनका पार्ट है। तो इसीलिए अब चूंकि यहाँ भी वही बात लिखेंगे कि ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के, है कि नहीं कॉन्ग्रुएंट, तो इसीलिए आप बोलोगे ए क्यू इक्वल होगा सी पी के बाय सी पी सी टी, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए 4 मार्क्स का था, 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चारों के बारे में आपको ये बात लिखना है, समझना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सीखिएगा, अच्छे से समझिएगा।